अगर किसी की जरूरत पड़े ना मुझे एक काम करें, आप मेरा नंबर लीजिए चाहे तो, अब जब तक होने वाला है ना 11 तारीख तक, आपको कुछ भी चाहिए मुझे फोन करना। नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 6 ऑफ द गुरुकुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये द freeman.org आपके लिए लाया है और ये मेरी खुद की वेबसाइट है। यहाँ पे आप पहला जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आप क्लिक करके ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ईबुक के फॉर्मेट में खरीद सकते हो। यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं आशीष का एक्सपीरियंस ऑफ एक्सरसाइज, जो हमने 3 डे पे बताई थी, और वो थी लोगों से जाके बात करना, लोगों से स्ट्रेंजर से जाके बात करना, उनको एक कॉम्प्लीमेंट देना ताकि देने का एहसास दे, क्योंकि इस चैनल पे हमने बहुत ज़्यादा बात करी है कि देने के लिए जाओ, लेने के लिए मत जाओ। तो अभी आप देखोगे हम उसके एक्सपीरियंस को डिस्कस करेंगे। मैं सस्पेंस रखता हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ एपिसोड देखें और फिर आउटरो में मिलते हैं। कल की एक्सरसाइज कैसी थी? बहुत फट रही है पानी बहुत। मेरे को कल बता क्या हुआ, क्योंकि दूर दूर से खबरें आई कि थोड़ी फट रही थी तेरी। हाँ, क्या हुआ बता? ये कोरेगांव पार्क में बहुत मतलब क्या हो गया, मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस हुआ कल। हाँ, जैसे कि जस्ट हम पहुँचे तो इलाके से पता लगा कि बहुत अलग है, मतलब फिर मैं गया लोगों से बात करने के लिए। तो मैंने सोचा तो बहुत था कि ऐसा ऐसा करूँगा। जब शाम फेस टू फेस जब लोगों क्या है ना, वो एक सेकंड में इतना फट गया मैं। तो तुम लोग कोरेगांव पार्क गए, फिर उसके बाद चालू कैसे किया तुमने? मुझे लगा कि एज अ कॉम्प्लीमेंट, स्टार्टिंग से ही कॉम्प्लीमेंट देना थोड़ा मेरे लिए भी ऑकवर्ड रहेगा कि मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा कन्वर्सेशन बिल्ड करें, उनको कंफर्टेबल करें, फिर उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो वो भी अच्छा फील करेंगे। ठीक है, मतलब स्माइलिंग भी वैसा मैंने ट्राई किया कल करना। तो स्टार्टिंग कौन से टाइप के लोगों के साथ किया तूने? वहाँ पे जो खड़े थे, मतलब मेल्स ही स्टार्ट हुआ, बीच में फीमेल्स भी आना स्टार्ट हो गए। फिर चार पांच जन होने के, मतलब लोग होने के बाद, फिर मेरे साथ दो पर्सन थे, मतलब मैं जिनके साथ गया था, फिर उन्होंने रैंडमली मुझे बोला कि तू इसके साथ। एक्सक्यूज मी, हैव अ नाइस डे। फिर उन्होंने जिसके साथ बोला मैं उसके साथ करने को गए, ट्राई किया बिना हिचकिचाए। Excuse me bro, have a nice day. एक मिनट आवा। Have a nice day. Have a nice day. I can excuse me sir, have a nice day. लोगों का रिएक्शन कैसा था? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट जिस आंटी को बोला था क्या, हाँ, तो उन्होंने उनको अलग ही लगा, मतलब मैं कुछ प्रैंक कर रहा हूँ कुछ, तो वैसा बहुत ऑकवर्ड से मेरे तरफ देखा। मुझे लगा कि आप मारेंगे ऐसा कुछ, तो भी लगा नहीं, चुपचाप चले। मैं सरप्राइज नहीं उस रिएक्शन पे, क्योंकि आजकल एक स्ट्रेंजर आके हमारे लिए कुछ अच्छा करे, आजकल की इंसानियत इतनी ख़त्म हो गई है कि लोगों को ऑकवर्ड ही लगेगा। उनको शौक होता है कि कोई आके मेरे को बोल रहा है कि आप ठीक हो, जबकि वो जानता भी नहीं है मैं कौन हूँ, और उसको मुझसे कुछ लेने को नहीं है। तो सबसे पहले लोग यही सोचते हैं कि ये मेरी तारीफ कर रहे तो हो सकता है कुछ लेने के लिए। हाँ, हाँ। बट ठीक है, आंटी ने थप्पड़ नहीं मारा फिर? नहीं, फिर ऑकवर्ड से देखा, फिर चले गए। फिर बाद में टीम ने चैलेंज देना स्टार्ट किया, मतलब रैंडमली जो भी दूर से कोई लड़की जा रही, कोई भी जा रहा हो, तो उनको उनको तरफ इशारा कर दिया, जाओ उनके हाथ इंटरेक्शन में, मतलब फिर मैं प्रिपेयर हुआ, थोड़ी लंबी सांस ली, फिर फट तो रही थी, बीच में से भी फट रही थी, क्योंकि अब वो जो बोलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं खुद कंफर्टेबल हूँ जीत गया, जो मतलब जो टीम में से जो बोलेंगे उनके साथ जाने जाके बात करना था, तो और फट गई मेरी। टोटल कितने किए कल इंटरेक्शन? 10 से 15 की आसपास किए होंगे एक घंटे में। हाँ, और 10 से 15 में तू कितनों में से सेटिस्फाइड है? 3। और वो कौन से 3 है? जो जिनके साथ मैंने 15 से 20 मिनट के ऊपर बात की। 3 लोगों के साथ, मतलब एक था, एक लड़की थी, जो मतलब वो इंटरेक्शन तो सबसे खतरनाक था। क्यों? उन्होंने नंबर भी दिया मुझे।
लड़की ने नंबर दिया तुझे। अगर किसी की जरूरत पड़े ना मुझे एक काम करे, मेरा नंबर लीजिए चाहे तो। अब जब तक पुणे में है ना 11 तारीख पे, आपको कुछ भी चाहिए मुझे फोन करना। क्यों? मतलब बता दो उन्हें एज अ पहले एक्सक्यूज मी बोला उनको, उन्हें स्माइल किया, फिर मुझे सामने से मुझे पूछा आपका नाम क्या है। मतलब मुझसे भी परफेक्ट अच्छी इंटरेक्शन की, फिर पूछा कहाँ से हो कैसे हो, मतलब पूरा पूरे डिटेल में पूछ लिया। फिर मैंने सोचा कि कहानी बिल्डअप करने से अच्छा उन्हें ऑनेस्टली सब कुछ बताओ। मतलब पुणे में ऐसा फर्स्ट टाइम में ऐसे किसी स्ट्रेंजर से मिला जो मुझे इतनी देर तक अच्छे से बात किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ ना, हाँ, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता। आपने पहली बार स्ट्रेंजर से कब बात की थी? लास्ट टाइम तो आपको कैसे मालूम है कि पहली बार अच्छे से बात की किसी ने आपसे? आपने ट्राई नहीं किया है ना? मतलब पहले मैम आपसे बात कर चेहरे पे स्माइल आ गया मेरे। चलो अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन आप मतलब आपको कैसे मालूम कि दूसरे लोग अच्छे से बात करने नहीं करेंगे जब जब भी आपने ट्राई नहीं किया हो? हाँ तो मैं जस्ट ऐसा आपको ऐसे लगा कि बोलूँ, मतलब मैंने किसी से सुना था कि स्ट्रेंजर से बात करके देखो अच्छा, मतलब अच्छा सोशल रहो ना अच्छा लगता है। अच्छा। मैं औरंगाबाद में बहुत ऐसा इंट्रोवर्ड हूँ। फ्रेंड्स ने बोला था क्या आपको? हाँ अच्छा। बहुत मतलब इंट्रोवर्ड हूँ ना, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। अपने मेरे चालू करना चाहिए ना, नहीं तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि लोग अच्छे हैं बुरे? हाँ आपने अगर आपके माइंड में परसेप्शन क्रिएट कर लिया हो कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। हाँ। लेकिन आपको अगर लगे लोगों को अच्छा लगेगा और फिर आपने ट्राई किया बात करने को तो एक्चुअली लोग बहुत फ्रेंडली हो सकते हैं। आप डरना मत। और अगर कोई नहीं भी हो फ्रेंडली तो क्या फर्क पड़ता है आपको? वो मतलब वो मुझे मैं नर्वस हो रहा था उनके सामने। हाँ मैं नर्वस हो रहा था उनके सामने तो वही मुझे कंफर्टेबल फील कर रहे थे। अच्छा इतनी डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा करना चाहिए, आप अच्छे हो। कुछ ज्यादा ही दयालु इंसान था। हाँ। तो क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन कैसा था? हाँ मतलब पूरा टाइम मतलब उन्हें ऐसे हंसाए भी, वो भी मुझे हंसा, मतलब ऐसा फनी भी इंटरेक्शन हुआ। मतलब ऐसा लगा कि हाँ मैं बात करने से उनको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। वो तो तेरे को सवाल पूछ रहे थे कि कहाँ आए हो या क्या कर रहे हो वगैरह, तूने भी उन्हें पूछा उनकी लाइफ के बारे में? कि तू मोस्टली आंसर ही कर रहा था? हाँ आंसर ही कर रहा था। ओके ओके ठीक है। तो इस एक्सपीरियंस के थ्रू तेरे को फील क्या हुआ? मेरी एंजाइटी किसी से बात हुई थी तो मेरी एंजाइटी कम हुई और लोगों की तरफ देखने का मेरा नज़रिया कम हुआ कि मतलब हर कोई अच्छा भी नहीं होता, हर कोई बुरा भी नहीं होता। जो मतलब जिसके साथ अपन बिना कुछ मांगे जा रहे हो तो वो अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता है, वो से काम है। और डर कम हो गया, एंजाइटी कम हो गई। कल मतलब फर्स्ट टाइम मैंने किसी से सामने से स्ट्रेंजर से बात की ना तो ऐसा लगा कि हाँ मैं जो सोच रहा था वो मतलब बहुत जरूरत से ज़्यादा सोच रहा था। वो तो है यार, मेरे को लगता है कि आधे से ज़्यादा लोग जो डरते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी से बाहर कदम रख के कुछ नया ट्राई करो, वो इसलिए ही है क्योंकि उनको लग रहा है कि दुनिया नेगेटिव तरीके से ही रिएक्ट करेगी। तो अब असली में रियल वर्ल्ड में हारने के पहले हमने अपने मन में ही हार मान ली है। तेरे को जितनी भी एंग्जाइटी हुई वो तेरे को अपना काम ढंग से करने नहीं दिया उसने। अगर तू देखे क्योंकि अगर 15 इंटरेक्शन में से 3 हुए जो तेरे 10-15 मिनट तक चले तो चल अंडरस्टूड है कि पहला वाला था तो तेरे लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस था और तेरा कम से कम उस इंसान की वजह से थोड़ी एंग्जाइटी कम हो गई है ना। अब तू मेरे को दूसरे दो के बारे में बता। ठंडा है पानी? दूसरे और तीसरे के बारे में बता मेरे को। हाँ। क्या चल रहा था? तो दूसरा मेल था, मतलब उसकी एज 30 से ऊपर होंगी। ठीक है। एक बेंच पे बैठा था स्टिल, तो मुझे लगा कि एज अ कुछ कॉम्प्लीमेंट या कुछ करने से अच्छा एक अच्छा कन्वर्जेशन होगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मैं गया उनसे पूछा एक्सक्यूज मी क्या आप बिजी तो नहीं हैं, फिर उनके साथ बैठा, फिर उन्हें पुणे के बारे में पूछा। मतलब मैं यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया कि मैं ओपन मतलब क्वेश्चंस में स्टार्ट करो, इंटरेक्शन मेरा ज़्यादा हो, उनको लगे कि मैंने भी कुछ ऐसा इन्वेस्ट किया है कॉन्वर्सेशन में। फिर उनसे पूछा पुणे में क्या देखने को अच्छा है, घूमने को अच्छा मतलब कैसा है। बट ये इंटरेक्शन पहले इंटरेक्शन से अलग कैसे था? इसमें कुछ अलग था कि एकदम सेम था? तो स्टार्टिंग ऐसी हुई जब मैं गया तो उन्होंने ऐसा घूर के देखा कि मैं कुछ प्रैंक कर रहा हूँ। अच्छा। मतलब इंटरेक्शन बहुत खराब होने वाला था, वो मुझे स्टार्टिंग से ठीक से बात नहीं करते। अच्छा। Okay. मुझे लगा कि उन्हें लगा कि कोई तो परेशान कर रहा है, लेने आया, देने नहीं आया, मजाक कर रहा है। ठीक है। फिर मुझे लगा कि ठीक है उनको शांत करना भी जरूरी है। फिर मैंने पूछा कि मैं ऐसा कुछ करने को नहीं आया, जस्ट आप जस्ट हेल्दी कॉन्वर्सेशन के लिए आया हूँ। ठीक है। फिर उनको रिलैक्स किया, फिर उनको मेरी पर्सनल भी डिटेल बताई कि मैं औरंगाबाद से यहाँ पे आया हूँ, जस्ट घूमने के लिए आया हूँ। उन्हें बताया कि आज यहाँ पे गया था सीगढ़ के मतलब
वहाँ पे गया था ऐसा ऐसा, उन्होंने बताया प्रॉपरली. फिर उन्हें भी ऐसा फिर बाद में लगा कि हाँ ये चीज़ लोगे, उनको लग रहा है कि ये कुछ मुझसे कुछ लेने नहीं आया, कुछ मजाक करने नहीं आया, कुछ प्रैंक करने नहीं. फिर उनका वो रिएक्शन देख के लगा कि हाँ ठीक है. अभी जब मेरे साथ जो टीम थी उन्हें स्टार्टिंग मतलब ये कॉन्वर्सेशन होने के बाद उनसे भी बात की कि वो भी बोले स्टार्टिंग में कि ये कुछ तो भी खराब करने वाला ये इंसान, या कुछ तो भी तुझे बोलेगा या कुछ तो मारेगा, ऐसा कुछ तो भी होगा. उन्हें भी लगा. किसको? अपनी टीम थी. उन्हें भी लगा. अच्छा. वो भी बोले मुझे एक तो मारेंगे नहीं तो कुछ तो भी गलत बोल देंगे. बाद में एक एक टाइम के बाद ऐसा मैंने महसूस हुआ कि सामने वाला इंसान मुझे बात करने में इंटरेस्टेड है और बात कर ही जा रहे मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे. फिर एक फिर बाद में जब टीम के पास गया उन्हें मतलब सीनियर कैसा लगा, तो वो मुझे ये बोले कि थोड़ी देर के लिए मुझे भी लगा कि वो स्टार्टिंग में मारेंगे, बाद में इंटरेक्शन के एंड तक ऐसा लगा कि वो तुझे खाने के लिए बाहर लेके जाएंगे. अच्छा. ऐसा बोला मुझे, मतलब मुझे भी लगा कि हाँ. फिर मैंने क्या किया, इंटरेक्शन के एंड तक मुझे लगा कि अभी घोट अभी और भी इंटरेक्शन करने हैं, अभी मैं इंटरेक्शन खत्म करता हूँ. उन्हें प्रॉब्लम उनको बताता हूँ, उनको बताता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, अपने अच्छे से मतलब मुझे ऑकवर्ड फील नहीं होने. उनको मेरे वीकनेस के बारे में भी बताया कि मैं लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाता था. आपसे बात करने को बहुत अच्छा लगा, आप अच्छे इंसान हो, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करके बाय बोल के निकल गए. तो ये भी अच्छी बात है कि अगर तुम किसी और का टाइम ले भी रहे हो तो ज़रूरत से ज़्यादा ना लो. ठीक है, तेरी एक्सरसाइज हो गई, तेरे को अपना गोल याद था कि मैंने ये कंटिन्यू करनी एक्सरसाइज और लोगों के साथ, तो चलो अब मैं आगे निकलता हूँ. तीसरा बता रहे मतलब एडल्ट तीन लोगों का ग्रुप था, उसमें से दो लड़के थे एक लड़की थी. फिर उनमें से दो लड़का और लड़की तो कॉन्वर्सेशन में बिजी थे. फिर मैंने साइड वाले मतलब ऐसा लगा कि अपने अपने जैसे को किसी को देख के उसको कॉन्वर्सेशन के लिए घुसा. फिर एज अ बात करते करते वो तीनों भी मेरे इंटरेक्शन में आ गए. फिर उनको भी ऐसा क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए कि यहाँ पे सबसे अच्छा ये एरिया में पर्टिकुलर घूमने के लिए क्या अच्छा है, वो पूछा. वो तो स्टार्टिंग में बोला कि क्या दारू पीने का है, क्या भीड़ पीने का है, किसके लिए, ऐसा पूछा मुझे उन्होंने पूछा मुझे. अच्छा. हाँ. तो ये क्या मतलब यंग लोग थे? यंग लोग थे. हाँ. अच्छा, कॉलेज के या? हाँ, ऐसा कुछ कॉलेज मतलब दो तो कॉलेज लड़का और लड़की तो कॉलेज के लग रहे थे. एक तो था ऑफिस मतलब. और तेरे मन में जो तेरा क्लास वाला सिस्टम है, तेरे को क्या लगा, सेम क्लास के थे, हाई क्लास थे, लो क्लास थे, क्या थे? क्योंकि तेरे को याद है मैंने पहले बताया था कि हमारा माइंड क्लासिफाई कर देता है. हाँ, लोगों को बोलता है कि ये हमसे अच्छे हैं, ये हमसे कम है. तो जो हमसे अच्छे हैं उनसे हमें डर लगता है. हाँ, कि हम उनसे इंटरेक्शन शुरू नहीं कर सकते. जो हमसे नीचे हैं, जैसे ऑटो रिक्शा कोई चला रहा है, कोई आया साफ कर रही है जगह, तो हम ओपनली उनके साथ बात कर लेते हैं. जबकि मैंने तुझे क्या बताया था कि आत्मा दोनों के अंदर सेम है. तीसरे वाले में पहले वाले से क्या अलग था? क्योंकि पहले वाले में भी तू ही ज्यादा बात कर रहा था, तीसरे वाले में तो उन्होंने सीधा बोला कि फूकेगा क्या. हाँ, हाँ, तो उसमें फर्क कैसे था? हाँ, मतलब वो कॉन्वर्सेशन पूरी चिल आउट थी. मतलब वो तीनों भी अच्छे से मतलब ऐसा जैसे कि मेरी एज के और प्रॉब्लम वैसे ही बात कर रहे थे. हाँ, तो मतलब वैसे बात चिल बात कर रहे थे एकदम. उन्होंने भी बताया कि मतलब वो एज अ सार्कास्टिक क्या मुझे मतलब पता नहीं हो क्या बोले, पर वो बोले भीड़ गिर गांजा गिंजा पीना है क्या? नहीं नहीं, मैं पीता नहीं बोला. नहीं, वो बोले कि अगर होगा, मैं पूछ रहा था मुझे भी नहीं होता है तो दी, तो ऐसा पूछा. मतलब तो बड़े मतलब फनी तेरे तीन. हाँ, मतलब फनी एलिमेंट पे स्ट्रेट अवे स्टार्ट हुआ. क्या तेरे को लगता है कि ये इसलिए हो पाया, मतलब तेरा रिस्पांस भी फनी हुआ? हाँ, जरूरी नहीं है कि तेरा भी रिस्पांस फनी होता. हाँ, उन्होंने तो फनी तरीके से कॉन्वर्सेशन चालू करी, लेकिन अगर तेरा वही फटा हुआ स्टेट होता जो पहले था. हाँ, अभी तक मेरे ख्याल से तेरा काफी वार्म अप हो गया था इस एक्सरसाइज. हाँ, में. हाँ, हाँ. तो तूने जब रिस्पॉन्ड किया, तो जो तू अपने एक क्लोज फ्रेंड के साथ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करता है, तूने वही ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स किया. जबकि जब एंशियस होता है बंदा, पहले वो सोच के रिस्पॉन्स करता है. करेक्ट. अगर मुझे वो टाइम पे अगर फर्स्ट इंटरेक्शन होता, मुझे लगता कि मुझे ट्रोल कर रहे. समझ गया. वैसा लगता, पर मुझे वैसा नहीं लगा. समझ गया. उनका मतलब उन्होंने जो भी ऐसा ह्यूमर में लिया, मैंने भी वैसे वैसे उसको टैकल किया. फिर वो बात कैसी चली? वो भी अच्छी चली. उसमें से जो उनको मैंने मतलब थोड़ा कॉन्वर्सेशन आगे होने के बाद मैंने रास्ते का भी बहाना लिया कि मुझे आया जाने का ऐसे वैसे. तो वो जो लड़की थी, तो उन्होंने एक ऑटो रिक्शा होल्ड करके रखी थी. वो बोली मैं तुझे वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगी, चल मेरे साथ. अरे वाह. हाँ, तो मैं गया. मुझे लगा कि अभी लगता है कि सच बताना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे देख के जाके छोड़ देगी. हाँ, तो मैं गया. उन्हें बोला
एक काम करो, आपको आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आप जाओ, मैं सामने आगे से रोड से मैं उबर मंगा लूंगा, आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मैं मेरा चला जाऊंगा, ऐसा करके चलेगा। वेरी गुड, कभी जरूरत से ज्यादा किसी का लेना भी नहीं है। तो गाइस जैसे आपने देखा, मैं चाहता हूँ आप पूरे के पूरे बेनिफिट्स निकाल पाओ, जैसे आशीष ने निकाले, इतने सारे लोगों से बात किया, लड़की ने नंबर भी दे दिया, तो मैं चाहता हूँ कि सेम चीज आपके साथ भी हो, आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिले, और आप पक्का भूले ना कि ये एक्सरसाइज आप रिपीट भी कर सकते हो अगर आपके साथ पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से ना हुए। बाकी लेट्स मीट नाउ इन एपिसोड नंबर 7 जो होने वाला है Day 4A, और वो एक अलग एक्सरसाइज है, वो एक अलग टाइप का दिन है, तो हम उस दिन मिलते हैं। अभी के लिए सी यू।